तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेंडर न्यूज़ डायरी पर और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। अब ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये छुंगा गांव की तस्वीरें हैं। मेंडर का जो छुंगा इलाका है, वहां पर आज एक बड़ा हादसा जो है वो होते होते टला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक मकान को ये जो नुकसान पहुँचा है, ये मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या हादसा उधर क्या वाक्या पेश आया। ये नुकसान जो है आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक पक्के मकान के अंदर इतना बड़ा ये छेद कैसे हुआ। तो ये सारी तस्वीरें जो हैं वो आज छुंगा से निकलकर सामने आई और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो ये हादसा पेश आया, एक बड़ी चट्टान यानी एक बड़ा पत्थर जो है वो ऊपर पहाड़ी से स्लिप हुआ और आके इस मकान पर गिरता है और इस मकान को चीर कर सीधा अंदर, मतलब काफ़ी नुकसान वो वहाँ पर पहुँचा। ये तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, लेकिन बड़ी बात ये रही कि वहाँ पर किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान तो हुआ लेकिन जानी नहीं हुआ। अब ये आप सुनिएगा, ये पूरा वीडियो है, ये क्या है मैं आपको ये पूरा प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये आप तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं। ये छुंगा गांव से ये भेजा गया है और इस पत्थर को इतनी बड़ी चट्टान जो है ऊपर से, हालांकि लगातार बारिश चल रही थी और बारिश के बाद जो है ये हादसा पेश आया। और गनीमत रही कि किसी के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, बाल बाल जो है बच गया। आप देखिएगा कि ये तमाम लोग इलाके के वहाँ पर सारे इकट्ठे हैं और उसके बाद इस बड़ी चट्टान, इस पत्थर को जो है वो तोड़कर वो किया गया। आप देखिएगा कितना नुकसान हुआ है। ये पत्थर अपने आप में, अगर सोचिए इस कमरे के अंदर कोई परिवार के कोई सदस्य होते तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक बड़ा हादसा होते होते, यानी जानी नुकसान नहीं हुआ, बड़ा हादसा जो है वो टला है। लेकिन इस पूरे जो है, अब ये देखिएगा कि क्या कहना है इन शख्स का। तो कितना एक आपका लॉस हुआ है इसमें? पूरा मकान डैमेज, टोटल डैमेज है जी। जी चलो, हम मीडिया के हवाले करते हैं ये वीडियो जी। तो ये तमाम इलाके के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए, हालांकि किसी को बुलाया गया कि आखिर जो है ये इसकी की गई। अब क्या है पूरी जानकारी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज लगभग 1:30 बजे, दिन के 1:30 बजे ये हादसा जो है मेंडर के छुंगा गांव में पेश आया, जहाँ पर एक बड़ी चट्टान, एक बड़ा पत्थर जो है वो इस मकान के ऊपर आकर गिरा। जिस मकान पर गिरा, उस मकान मालिक के, उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, मोहम्मद हफीज साना फैज मोहम्मद आरओ छुंगा मेंडर। इनके घर पे जो है वो नुकसान हुआ है, बताया जा रहा है 1:30 बजे का वाकया है, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। तो ऐसे में ये पत्थर गिरा और बड़ी बात यह है कि इनके उस समय घर के अंदर परिवार के लोग तो मौजूद थे लेकिन दूसरे कमरे में खाना खा रहे थे, तो ऐसे में इस रूम में जो है वो कोई नहीं था। तो इनका नुकसान जो है वो काफ़ी हुआ है। इन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इनको कंपनसेशन दिया जाए। हालांकि जब हमारी बात हुई इनके साथ तो इनका साफ तौर पर कहना था कि एसडीएम मेंडर को इन्होंने एक दरख्वास्त दी है, तहसीलदार मेंडर को भी, और पुलिस स्टेशन में भी एक दरख्वास्त दी है। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो है मेरे को कोई कंपनसेशन दिया जाए कि जो उनका नुकसान हुआ है। ये छुंगा वार्ड नंबर 1 का मामला है और लगातार जिस तरीके से जो है बारिशों के दौरान कई बार एडवाइजरी भी जारी होती है कि आप लोग अपना जो है वो बचाव करिएगा, वहीं ये अचानक से इंसिडेंट हुआ और एक इतना बड़ा पत्थर जो है वो मकान के ऊपर गिरता है। ये उस ऊपर वाले का शुक्र है, उस भगवान का, ईश्वर अल्लाह ताला का, कि किसी का जाने नुकसान ही नहीं, तो यहाँ पर एक बड़ा नुकसान जो है उठाना पड़ सकता था। एक बड़ा पत्थर है और उस पत्थर को आम तौर पर कोई शख्स उठा भी नहीं सकता, और ऐसे में वहाँ पर लेबर को लगाकर, जो पत्थर तोड़ने के एक्सपर्ट होते हैं उनको बुलाकर इस पत्थर को तोड़ा गया और इस चट्टान को साइड किया गया। ये एक बड़ी खबर थी, हालांकि वहाँ से वीडियो मेरे तक जो है इन्होंने पहुँचाया और आपको बताना चाहेंगे कि एक बड़ा हादसा होते होते जो है वो टला है। और इस हादसे में अगर कोई गनीमत ये रही कि वहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान उनके मकान में काफ़ी जो है वो डैमेज हुआ है, अंदर अलमीरास या अंदर सामान जो है वो सारा टूट चुका है, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ है, ये उस ऊपर वाले का शुक्र है। बहरहाल इन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इनकी जो है वो मदद की जाए। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और बने रहिए मेंडर न्यूज़ डायरी के साथ। नमस्कार।